तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मौसम पूर्वानुमान के इस खास वीडियो में। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग IMD ने सोमवार को घोषणा कर दी है कि 25 अक्टूबर को दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरे देश से वापसी कर ली है। विभाग का कहना है कि सन 1975 के बाद से ऐसा सातवीं बार हुआ है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने देरी से वापसी की है। हालांकि दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिससे एक बार फिर मौसम के बेपटरी होने की आशंका है। मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर पूर्वी मानसून के लिए बंगाल की खाड़ी पर मजबूत मौसमी स्थितियाँ विकसित हो रही हैं। इसकी वजह से अगले 24 घंटों में दक्षिणी भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 1 से 2 दिन और बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा में भी बादल बरसने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि देश से मानसून की वापसी के साथ ही अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात समेत शेष राज्यों में बारिश पर ब्रेक लग गए हैं, लेकिन दीपावली से पूर्व ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, जिससे दिन और रात के पारे में गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।